अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक और जल्दी से बनने वाली कीमा आलू मटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आए इसके इंग्रेडिएंट्स तरफ चलते हैं। कीमा आलू मटर बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए वो हमारे पास हाफ पाउंड यहाँ पर कीमा है चिकन का, जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। 1-2 मिनट कीमा भूनने के बाद उसमें 1 बड़ा टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें ऐड कर दें और इसको एक क्विक सा स्टर दें। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1/2 कप ऑफ प्याज है, जो तली हुई प्याज है। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है, फ्राइड प्याज, फ्राइड अनियंस नहीं है, तो आप इन्हें पहले फ्राई कर लें और आप इसमें इसको ऐड कर दें 1/2 कप प्याज को। प्याज को ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ पाउडर के इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है और अप टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है, काली मिर्चों का पाउडर, और 1/2 टीस्पून हमारे पास टर्मरिक है, मतलब हल्दी। ये सारे मसाले हम अपने कीमे में डाल देंगे और इसको एक बहुत क्विक सा स्टर देंगे। 1-2 मिनट भून लेंगे इसको अच्छी तरह। 5 से 6 मिनट्स तक इसको भूनने के बाद यहाँ पर मेरे पास 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ दही है, गाढ़ा बिल्कुल दही है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह हम लोग भून लेंगे 1-2 मिनट तक। कीमे को भुने हुए 1-2 मिनट हो गए हैं और ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ रहा है। चूल्हा हमारा बहुत तेज़ है, उसमें मैं यहाँ पे मेरे पास 2 आलू थे, उनको मैंने छोटे क्यूब साइज़ में काट लिया है और अब इनको भी मैं आलूओं को भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी। 2-3 मिनट तक आलूओं को भूनेंगे, फिर हम इसमें अपने मटर ऐड कर देंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से आलू भी हमारे इसमें भून गए हैं। अब मैं इसमें अपने 1 कप मटर यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, जितने भी मटर इसमें चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसको मटर डालने के बाद 1-2 मिनट तक हम स्टर करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे जितना हमें चाहिए कि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएं। मटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम उसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो हैं आलू वो अच्छी तरह से गल जाएं। और पानी को ऐड करने के साथ साथ ही हम इसमें जो है हैंड फुल ऑफ धनिया यूज़ करेंगे, कोरिएंडर लीव्स, और जो हमारे पास, अगर आपकी मिर्चें तेज़ नहीं हैं तो आप 5-6 यूज़ कर लें। मैं इस तरह से अपनी कुछ मिर्चें यूज़ कर रही हूँ और इनको अच्छा सा स्टर देंगे। और अब हम इसको ढकने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे, तब तक कि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल ना जाएं। चले मिलते हैं फिर 10-15 मिनट्स में। इसको हम मीडियम टू लो आंच में पकाएंगे। 20-25 मिनट हो गए हैं और हमारा यहाँ से पे हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं और कीमा भी कुक हो गया है। और डिश आउट करने से पहले इसमें हम 1 टेबल स्पून लाइम जूस या फिर लेमन जूस ऐड करेंगे। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये हमारी कीमा आलू मटर की रेसिपी जो है एकदम रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इसको स्पेशली सुबह पराठों के साथ सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।